सारे जग विच वसण वाले पंजाबियों नूं मेरे वालों प्यार भरिया सलाम आदाब ते नीघा जिहा सत श्री अकाल। कल ते अज दे परागे च तुहाडा स्वागत है। पंजाबी कल ते अज दे परागे च शामिल है कुछ लोग जंगा लड़ के अपना नाम तारीख विच लिखवांदे ने, कुछ विचारां राही याद रखे जांदे ने, पर पंजाब दा एक पुत्तर जिस नूं असी सन ऑफ लाहौर भी कहिंदे हाँ, उन्हें इदारे बना के इंस्टीट्यूशनस बना के अपना नाम इतिहास विच लिखवाया। मैं गल कर रही हाँ सरदार दयाल सिंह मजीठिया दी। महाराजा रणजीत सिंह दे पंजाब विच दयाल सिंह होरां दे खानदान दा की रोल रहा है? निक्की उम्रे ही माँ प्यो दे परछावें तों महरूम होण वाले दयाल सिंह दी सोच इन्नी वड्डी किवें होई? सर सैयद अहमद खान ते दयाल सिंह दे विच केड़ी गल सांझी है? दी ट्रिब्यून, पंजाब नैशनल बैंक, दयाल सिंह लाइब्रेरी, दयाल सिंह कॉलेज ने पंजाबियों नूं की फायदा दिता है? ए सब कुछ ते होर बहुत कुछ जानन लई मेरे नाल जुड़े रहो। सरदार दयाल सिंह मजीठिया होरां दे प्यो सरदार लहणा सिंह महाराजा रणजीत सिंह दी स्टेट पंजाब दे एक महान जरनैल सन। सरदार लहणा सिंह एक काबल जरनैल सन जिन्हां महाराजा रणजीत सिंह दी फौज नूं ताकतवर बनाउण विच अपना योगदान कीता। ओ हथियारां दे माहिर सी, सूरज घड़ी, तोपां, नवीआं जंगी चालां नूं ऐजाद करन वाले सरदार लहणा सिंह सन। महाराजा रणजीत सिंह दे चलाणा करन मगरों सरदार लहणा सिंह ने मुखालफत करन लाहौर नूं छड्या ते बनारस नूं अपना ठिकाणा बना लिया। बनारस विच ही 1849 विच सरदार लहणा सिंह दे घर सरदार दयाल सिंह दा जन्म होया। सरदार दयाल सिंह जदों 6 साल दे होए ते उन्हां दे मां प्यो चलाणा कर गए। इंज दयाल सिंह दे रिश्तेदार उन्हां नूं अमृतसर तों 6 मील दूर उन्हां दी पुश्तैनी हवेली विच लै आए। दयाल सिंह दे मां प्यो उन्हां लई दौलत छड गए सन, इस लई उन्हां दी परवरिश विच कोई ज़्यादा मुश्किल ना होई। मुढ़ली सिक्ख्या एक अंग्रेज़ गवर्नस कोलों घर च ही दवाई गई। फिर दयाल सिंह नूं अमृतसर विच एक स्कूल विच दाखिल करा दिता गया। दयाल सिंह वेले दे नाल हिंदी, फारसी, अरबी ते अंग्रेजी दे गूढ़े जाणू बन गए। सरदार दयाल सिंह सिक्ख्या लई यूरप भी गए। यूरप जाके उन्हां दी सोच विच वड्डी ते इनकलाबी तब्दीली आई। उन्हां नूं इह सोच आई कि पंजाब तों पंजाब दी शनाख्त, इलम, मलकीयत ते उहदी विरासत खोई जा रही है। साम्राज पंजाब नूं गुलामी वल धक्के दे रहा है। दयाल सिंह एक गल बड़ी चंगी तरह समझ गए सन कि पंजाबी कौम नूं आज़ादी ते उहदी शनाख्त वापस दवाउण दा एक ही तरीका है ते उह है एजुकेशन, नवीं सिक्ख्या। जिस वेले दयाल सिंह दी उम्र दे नौजवान मौज मस्ती विच गुम सन, दयाल सिंह ने पंजाबी समाज विच तालीम आम करन दीआं कोशिशां शुरू कर दित्तीआं। 1881 विच पंजाब दी सोच नूं बदलण ते पंजाब दी आवाज़ नूं साम्राज तक पहुँचाउण लई सरदार दयाल सिंह ने एक अंग्रेजी अखबार कढ़िया जिहदा नाम सी दी ट्रिब्यून। दी ट्रिब्यून जल्द ही इंडिया दा पहला अखबार बन गया। दी ट्रिब्यून ए पंजाब विच छपण वाला सब तों वड्डा अंग्रेजी अखबार सी जो पूरे इंडिया विच पंजाबियों की भरवीं आवाज़ बन गया। द ट्रिब्यून ने पंजाब विच सिक्ख्या लई राह पद्धर कीती। द ट्रिब्यून ने 25 आर्टिकल्स ते एडिटोरियल सिर्फ इस लई छापे गए कि पंजाब विच मॉडर्न सिक्ख्या अंग्रेजी जबान विच दित्ती जाए, नाले लाहौर विच एक पूरी यूनिवर्सिटी बनाई जाए। इंज पंजाब यूनिवर्सिटी नूं यूनिवर्सिटी बनाउण विच सरदार दयाल सिंह मजीठिया ने अपना हिस्सा पाया। सरदार दयाल सिंह मजीठिया एक पंजाबी लोक दानश रखण वाले इंसान सन। अंग्रेज़ां नाल लड़न लई उन्हां ने सर सैयद अहमद खां वर्गा राह चुणिया। वह समझते सन कि 1857 की जंग हिंदुस्तानी हार चुके सन, नाले इस तों पहला 10 साल वह आपस विच लड़दे भी रहे। इसलिए सिर्फ हुण एक ही राह बचता है जिदे ते चल के पंजाबी नौजवान आज़ादी हासिल कर सकते हैं, तो वह राह है सिक्ख्या की राह, मॉडर्न एजुकेशन की राह।
दयाल सिंह बहुता समा लाहौर विच गुजारदे सन। थोड़े समय लई ओ अमृतसर विच चले जांदे सी ते कदी कदी कराची भी, पर उन्हां दा असल ठिकाणा लाहौर शहर ही सी। द ट्रिब्यून अखबार लाहौर तो छपता सी, पर दयाल सिंह ने कदी भी अखबार दी एडिटोरियल पॉलिसी ते अपनी मर्जी नहीं सी चलाई। इस लई अखबार आजाद सी ते छेती ही यह अखबार बेखौफ पत्रकारी दी एक मिसाल बन गया। इंडिया दे वड्डे अंग्रेजी अखबारां विचों एक द ट्रिब्यून सी। जे पूछा जावे कि दयाल सिंह यह सारा धन दौलत किवें बना रहे सन, तो यह जवाब यह है कि दयाल सिंह अपने वेले दे एक जहीन ते अकलमंद नौजवान सी। उन्हां उस वेले सब तो हट के कारोबार किए जो कामयाब भी होए। सरदार दयाल सिंह ने रियल स्टेट, महंगे पत्थरां, हीरे ते ज्वैलरी दा कारोबार कीता ते इहदे नाल ही जुड़े रहे। इंज विरासत विच मिलण वाली दौलत तो अड दयाल सिंह होरां खुद बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी बनाई। जदों अंग्रेज सरकार ने लाहौर विच फौजी बैरक्स मियां मीर दे नेड़े बनाउण दा मनसूबा बनाया ते उस वेले दयाल सिंह ने अंग्रेज सरकार कोलों वड्डी पद्धर ते जमीना मुल लै लईआं। दयाल सिंह मॉल रोड लाहौर ते मौजूद दयाल सिंह मैंशन, फैन रोड दे चैंबर्स, पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस नाल लगदी जमीन दे मालक बन गए। सरदार दयाल सिंह होरां कोल उस वेले लाहौर, अमृतसर ते कराची विच वख-वख 26 प्रॉपर्टी सन। 1895 विच सरदार दयाल सिंह दी जायदाद दी मालियत 30 लाख सी, जो उस वेले हाउस ऑफ टाटाज दी जायदाद दी मालियत तो 7 लाख वध सी। इन्नी ज़्यादा दौलत होने के बावजूद भी सरदार दयाल सिंह लाहौर नाल जुड़े रहे ते इत्थे दे लोकां नू दान करते रहे। सरदार दयाल सिंह पड़ियाड़ मुंडियां नू माली मदद देंदे सी, वख-वख ऑर्गनाइजेशनज़ नू चैरिटी करदे सन। सर सैयद अहमद खान दे इदारे अंजुमन इस्लामिया नू सरदार दयाल सिंह भारी डोनेशन देंदे सन। उन्हां 3 ट्रस्ट बनाए, पहला द ट्रिब्यून ट्रस्ट, दूजा दयाल सिंह लाइब्रेरी ट्रस्ट ते तीजा दयाल सिंह कॉलेज ट्रस्ट। सरदार दयाल सिंह पंजाब दी समाजी ते आर्थिक सूरत हाल नू बदलना चाहुंदे सी। उन्हां अपने मित्रां नाल रल के पंजाब नैशनल बैंक भी बनाया। 1894 विच पंजाब नैशनल बैंक दा पहला ऑफिस लाहौर अनारकली विच खोलिया गया। तकसीम वेले मौजूदा पाकिस्तान विच पंजाब नैशनल बैंक दियां 92 यानी 92 ब्रांचिज मौजूद सन। दयाल सिंह एक जहीन इंसान सन। वह सिख धर्म, बाइबल, गीता ते कुरान नू हर पक्षों समझदे सन। उन्हां दे लाहौर वाले घर मुसलमान ते क्रिश्चन बावरची सन। वह लम्मा समा समाजी सुधार की लहर ब्राह्मू समाज नाल भी जुड़े रहे। सरदार दयाल सिंह एक रोशन दिमाग इंसान सन। लाहौर शहर विच पतंगबाजी ते कुश्ती नू वधावा देण विच सरदार दयाल सिंह दा वड्डा हाथ सी। शतरंज दे बड़े चंगे खिलाड़ी सन। इस तरह संगीत नाल बहुत लगाव रखदे सी, सितार वजा लैंदे सी, मशरक दे तखल्लुस नाल शायरी भी करदे सी। सरदार दयाल सिंह दी शायरी दे खरड़े अज भी ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन विच मौजूद हन। सरदार दयाल सिंह मजीठिया सिर्फ 49 साल दी उम्र विच 9 सितंबर 1898 विच अपने महबूब शहर लाहौर विच चलाना कर गए। दयाल सिंह पहाड़ ते रखे चिराग वांग सन, जिहड़ा हर आंदे जांदे नू राह विखांदा है। दयाल सिंह एक जागरूक इंसान सन, जिन्हां अपने वेले दे पंजाबी नौजवानां नू सिख्या दे चानण नाल रोशन कीता। सरदार दयाल सिंह दे बनाए होए इंस्टीट्यूशनस नू पंजाब दी तकसीम वी ना मुका सकी। सन ऑफ लाहौर दी छड्डी विरासत अज भी जिंदा है। सरदार दयाल सिंह मॉडर्न पंजाब दे उसारू सन। वह कौम उसारू नीतियां दे काड़ू सन। सरदार दयाल सिंह पंजाब विच समाजी ते सियासी बदलाव दे मोहरी सन। एक गल जरूर है कि जे सरदार दयाल सिंह दी ट्रिब्यून अखबार ते सिख्या देण वाले इदारे पंजाब विच ना बणाउंदे ते अज पंजाबियां दी एक वड्डी गिनती अनपढ़ रह जांदी। सरदार दयाल सिंह लाहौर विच शायरां, खिलाड़ियां, इनकलाबियां ते कलाकारां दी सरप्रस्ती करदा सी। ओ इंडियन एसोसीएशन ऑफ लाहौर दे सारी जिंदगी प्रधान रहे। सरदार दयाल सिंह अज भी लाहौर दियां हवावां विच जीवत है। लाहौर अपने मौसम नूं भुलिया नहीं। पंजाबी कल ते अज दे परागे च सन ऑफ लाहौर सरदार दयाल सिंह मजीठिया दी कहानी तुहानूं कैसी लगी, अपना फीडबैक जरूर देना। आ गया दिओ, जिउंदे वसदे रहो, रब राखा।